मतलब मैं अभी घड़ी देख लिया, 8 बज रहा है लगभग। अब आपके क्वेश्चन आंसर के लिए थोड़ा मुझे समय देना है। तो आपने अब तक जो सुना है उस पर सवाल कर सकते हैं एक एक करके। कल छुट्टी है? ओ अच्छा। सर जो आपने बताया कि इससे कोलेस्ट्रॉल कम होता है, किससे? बहुत सारे उपाय जो एचडीएल है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, उसकी भी एक सीमा दी, रेंज दी होती है। उस रेंज से भी अगर ज्यादा होता है, कभी भी मैंने आज तक देखा नहीं है, लेकिन एक्सेप्शन हो सकता है कहीं भी। एचडीएल मैंने रेंज के आगे किसी का देखा नहीं आज तक, इसलिए होता नहीं सामान्य रूप से। लेकिन किसी कंडीशन में हो सकता है कि एचडीएल बहुत ज्यादा हो जाए, तो आपको ये सब नहीं करना है, बस इतना ही करना है, कोई भी उपाय नहीं। हाँ, अब जिनको स्टोन बार बार बनता है उनको एक तो चूना तो नहीं ही खाना, फिर क्या करना है वो आप चाहे तो लिख लीजिए। एक मेडिसिन मैं बताता हूं, होम्योपैथी की है वो, आपको किसी भी होम्योपैथी शॉप में मिलेगी। उसका नाम है बर्बेरिस, अंग्रेजी में ए बी भी होता है ना, ए बी, तो बी ई आर बी ई आर आई एस, बी ई आर बी ई आर आई एस, बर्बेरिस। ये एक शब्द है, इसके बाद आगे एक और शब्द है वल्गैरिस, उसमें दूसरा वाला बी है, बी यू एल जी ए आर आई एस, बर्बेरिस वल्गैरिस। आगे लिख देना है मदर टिंचर, मदर टिंचर, ये उसकी पोटेंसी है, वो दुकान वाला समझेगा, वो आपके लिए नहीं। अब ये दवा लेनी है 15 बूंदे 1/4 कप पानी गुनगुना, उसमें 15 बूंदे इस दवा की डालनी है, और दिन में 3 से 4 बार पीना है, सुबह दोपहर शाम रात 4 बार, अधिक से अधिक कम से कम 3 बार, लगातार 1 से 1.5 महीने, कभी कभी 2 महीने भी लग जाते हैं। तो जितने भी स्टोन्स हैं कहीं भी हो, गॉल ब्लैडर में हो या तो किडनी में हो या यूरेथ्रा के आसपास हो, मूत्रपिंड में हो, वो सभी स्टोन को डिसॉल्व करके ये निकाल दिए। 1/4 पानी, 1/4 कप गुनगुना पानी, 10 से 15 बूंदे 4 बार लेना है, 1 से 1.5 महीने लगातार लेना, 2 महीने भी ले सकते हैं, इस दवा का साइड इफेक्ट नहीं। लगभग मैंने देखा है 99% केस में 2 महीने में ही सब टूट के निकल जाता है, कभी कभी 3 महीने भी हो सकता है लेना पड़े। तो आप 2 महीने के बाद एक सोनोग्राफी करा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितना टूट गया है कितना रह गया है, थोड़े दिन और ले लीजिए। और उसके बाद एक दूसरी दवा जरूर लिख लीजिए। ये तो है जब टूट के निकल गया, दोबारा भविष्य में कभी ना बने उसके लिए एक दवा लिख लीजिए, क्योंकि बहुत लोगों को बार बार टेंडेंसी है स्टोन फॉर्मेशन। एक बार टूट के निकल गया बहुत अच्छा, अब कभी दोबारा नहीं आना चाहिए, उसके लिए एक दवा है CHINA चाइना, CHINA चाइना, और उसके आगे लिखना है 1000 1000 नंबर। ये लिक्विड फॉर्म में दवा ले लीजिए, इसकी 2-2 बूंद सीधे जीभ पर डाल दीजिए सुबह दोपहर शाम, बस एक ही दिन में 3 बार दे दीजिए, फिर भविष्य में कभी भी दोबारा स्टोन नहीं बनेगा। नहीं, पहले बर्बेरिस लेना, पूरा स्टोन आपका निकल जाए, उसके बाद आप चाइना लेना है। स्टोन है ही नहीं, लेकिन नहीं बिल्कुल नहीं, ये गलती मत करिएगा। 2 साल में एक बार होता है स्टोन, वो ले लें, पहले बर्बेरिस लें, स्टोन निकालना ही पड़ेगा, उसके बाद चाइना। जैसे 2 साल में एक बार बन गया तो दवाई ली और वो निकल गया। हाँ, फिर उसके बाद चाइना 1000 की 3 डोज ले लीजिए। चाइना 1000 लेने के बाद क्या लेने का जो वो है कर सकते? एक ही दिन लेना है, 3 बार लेना है, 2-2 ड्रॉप सीधे जीभ पर डाल दो सुबह दोपहर शाम। बर्बेरिस 3 महीने तो मैक्सिमम हो गया, एटमोस्ट हो गया, एटलीस्ट 2 महीने, एक ही दिन लेना है 3 डोज, बस वो सफिशियंट है। अभी मैं कुछ और दवाएं बताना चाहता हूं आपको, जल्दी जल्दी अगर आप करें तो, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो रहा है। जी, चूने के पानी का इफेक्ट है लेकिन थोड़ा कम, जैसे चूने का इफेक्ट है 1 रुपए के बराबर, तो चूने के पानी का इफेक्ट है 50 पैसे का। नहीं होगा,
पथरी वाले चूने का पानी भी नहीं ले सकते, पानी भी नहीं ले सकते। अभी मैं कुछ और दवाएं बताना चाहता हूं आपको, अगर कुछ क्वेश्चन हो तो 2-3 मिनट में आप कर लीजिए, अब तक जितनी बात हुई है कुछ जिज्ञासा हो तो पूछ लीजिए। डेंगू का बस जी क्या बोला, गेहूं के जूस में ये हाँ कर सकते, दोनों एल्किलाइन है दोनों मिक्स कर सकते। हाँ अर्थराइटिस पे आ रहा हूँ मैं, अर्थराइटिस पे आ रहा हूँ। अभी तक जितनी बात हुई उसमें कुछ पूछना है? हाँ बहुत अच्छा सवाल किया, जो पीली हल्दी है वो कैंसर के लिए है और जो आपकी हरी हल्दी होती है एक वो आपके थ्रोट इन्फेक्शन के लिए है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा जी, पुनर्नवा जो है आप उसको इतना ही कहिए कैंसर के लिए चाहिए, वो स्पेशल उसकी जड़ इस्तेमाल की जाती है, आप उसको इतना बोल के लाइए वो पूछेगा किसके लिए, मुझे कैंसर के लिए इस्तेमाल करना। बस थोड़ा आगे बढ़ते हैं अर्थराइटिस पे चलते हैं। अर्थराइटिस दो तरह का, रूमेटॉइड और ऑस्टियो, दोनों तरह के अर्थराइटिस में एक मेडिसिन तो मैं पहले ही बता चुका हूं चूना, जिसको आप कभी भी इस्तेमाल करिए, दूसरी मेडिसिन भी पहले बता दिया है लेकिन रिपीट कर रहा हूं, मेथी का दाना बेस्ट मेडिसिन अर्थराइटिस के लिए, दोनों ही अर्थराइटिस के लिए, रूमेटॉइड है तो ऑस्टियो है तो। लेने का तरीका बता चुका हूं, एक छोटा चम्मच मेथी का दाना, एक गिलास गर्म पानी में रात को डालना, सवेरे उठ के पानी सिप सिप पीना, दाना चबा के तो अर्थराइटिस के। और एक एक्स्ट्रा मेडिसिन अब मैं बताने जा रहा हूं अर्थराइटिस के लिए, ऐसे अर्थराइटिक पेशेंट जो टोटली बेड रिडन हो गए, 40 साल से उनको तकलीफ है, कोई बोलेगा 30 साल से तकलीफ है, किसी को 20 साल से तकलीफ है, और ऐसी कंडीशन हो सकती है कि वो 2 कदम भी ना चल सके, हाथ भी नहीं हिला सके, इतना दर्द उनको होता है, तो लेटे रहते हैं बेड पे, करवट भी नहीं बदल सकते, उस कंडीशन के लिए जिनको बहुत पुरानी अर्थराइटिस है 20 साल 25 साल 15 साल उनके लिए एक स्पेशल मेडिसिन है जो उसी के लिए काम आती है, वो एक पेड़ से बनती है, एक पेड़ होता है उसको हम कहते हैं हार सिंगार, पारिजात, संस्कृत में उसको पारिजात कहते हैं, हिंदी में हार सिंगार, उसमें सफेद रंग के फूल आते हैं और नारंगी रंग की डंडी, सफेद रंग का फूल छोटा होता है नारंगी डंडी होती है, फूल में बहुत तेज खुशबू आती है, रात को ही फूल खिलते हैं, सुबह जब आप उठेंगे तो वो जमीन पे गिरे हुए मिलते हैं, वो है परिजन, वो है हार सिंगार है जी, रात की रानी अलग है, हार सिंगार अलग है, पारिजात, कुछ ऐसे हो सकते हैं 2-4% लेकिन ज्यादा गिर जाते हैं। और ध्यान ये रखिए कि रात को ही फूल खिलते हैं, खुशबू बहुत तेज होती है, दूर तक आती है, डंडी हमेशा उसकी नारंगी होती है, स्टेम पार्ट उसका ऑरेंज होता है और फूल जो है सफेद होता है, ये पेड़ है। अब चावल में क्यों डालते हैं वो तो मुझे नहीं मालूम है, आप इसके पत्ते लीजिए, ये पेड़ के पत्ते 6 से 7 पत्ते लेना है एक बार में और उसको पीसना है, पत्ते को पत्थर को पीस लीजिए, थोड़ा पानी डाल के पीस गया तो 1 गिलास पानी में वो मिला के पीसा हुआ चटनी मिला के उसको बॉईल करना है पानी को, और इतना बॉईल करना है कि पानी आधा हो जाए, काढ़ा बन गया, अब ये जो काढ़ा बन गया है इसको ठंडा करके फिर पीना और ये सवेरे ही पीना है, तो इसलिए रात को बना के रख दीजिए, सुबह उठकर इसको खाली पेट पी लीजिए और पिला दीजिए, जिनको भी पुराना जोड़ों का दर्द है, 10 साल हो गया 20 साल हो गया 15-25 साल हो गया, बहुत तकलीफ है, चल नहीं सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं, उठ नहीं सकते, ये उन सब के लिए अमृत की तरह से काम करता है। हाँ वही है, 3 महीने लगातार दे दो फिर ब्रेक कर देना फिर और 3 महीने दे देना, मैंने इसमें देखा है कि ज्यादातर केस 1 से 1.5 महीने में ही ठीक हो जाते हैं,
तीन महीने तक तो बहुत रेयर केस हैं जिनको लेना आपको बहुत अच्छा। तो अब आप ये दूसरों को बताइए। अच्छा, इसको आप अर्थराइटिस में यूज करिए, जॉइंट्स पेन में यूज करिए। इसका और एक यूज है जो थोड़ी देर पहले बात आ रही है, अगर आपको डेंगू हो गया, अब डेंगू में बुखार आता, उसके बाद शरीर टूटता, बुरी तरह से दर्द होता है, बुखार कई बार चला जाता है लेकिन दर्द नहीं जाता, उसमें भी इसी को इस्तेमाल करिए। हाँ, इसी तरीके। बस इतना है कि डेंगू के केस में 15 से 20 दिन ही लेना पड़ेगा, अर्थराइटिस में 1.5-2 महीने तक लेना पड़ सकता है। नॉर्मल पी सकते हैं? नहीं, नॉर्मल नहीं। किसी ने कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, फिर नहीं, ना ना। अगर हाथ में दर्द नहीं होता, कटकट आवाज आती है, ये तो चूने से ही ठीक हो जाएगा, वहां तक जाने की जरूरत है। नींद में भी आवाज आती है ना जब? हाँ, तो ये तो चूने से ही ठीक हो जाएगा। जिनकी वैसे ही टांगे दुखती हो, लाइक पिंडियों का दर्द, सिर्फ चूना। तो इसको फिर रिपीट कर देता हूँ, हार सिंगार का पेड़ है, उसको पहचानना है कि सफेद फूल, छोटे नारंगी रंडी, फूल की खुशबू बहुत है, रात को फूल खिलते हैं, सवेरे जमीन पे गिरे हुए मिलते हैं। इसके पत्ते को भी पहचानना बहुत आसान है, इसके पत्ते को आप छुएंगे तो कांटे जैसे चुभते, नहीं मिलेगा, कोई नहीं रखता, ये तो जहां पेड़ लगा है वहीं मिलेगा। तो आप इसको घर में लगा लो, ये जो नर्सरी वाले लोग हैं ना, उनसे पौधा ले आओ, 2-4-5 रुपए का पौधा मिलता है, बिना पानी के होने वाला पौधा है, बहुत तेजी से बढ़ता है, 6 महीने में ही पूरा पेड़ हो जाता है लगाते, इसलिए लगाना बहुत आसान है, किसी भी मिट्टी में हो जाता है, कहीं भी हो जाता है, इसलिए लगाने में प्रॉब्लम। तो लगा लो, नहीं तो ढूंढ लो पटियाला में, कहीं ना कहीं तो मिल जाए। ये गुरप्रीत भाई से पूछ लेना, ये बता दे। अब आपको जो ध्यान रखना है वो ये कि इसके फूल नहीं लेने हैं, पत्ते, 6-7 पत्ते, चटनी बनानी है, चटनी बनाने से मतलब उसमें नमक मिर्च कुछ नहीं डालना है, पत्ते पीस के चटनी बनानी है, 1 गिलास पानी में वो मिलाना है, पानी को इतना गर्म करना है कि आधा हो जाएगा, फिर उस पानी को ठंडा करके पीना है, ये है पूरा प्रोसीजर। हर दिन नया बनाना, रात को बना के रख देना, सवेरे उठ के पी लेना, दोबारा गर्म नहीं करना, एक बार जो बन गया रात को रख दिया, सवेरे पी। अब इसमें आप ये करेंगे कि फिल्टर करके पीना है या बिना फिल्टर करके पिएंगे तो जल्दी परिणाम है, फिल्टर करके पिएंगे तो परिणाम आएगा लेकिन थोड़ा देर लगेगा। पेशेंट मेडिसिन ले रहे हैं? हाँ, मेडिसिन रोक दीजिए, इसको दे दीजिए, 100% रिजल्ट है इसके। एक भी आज तक पेशेंट मुझे ये नहीं बोला कि मुझे इसका फायदा नहीं। हाँ, ये एडिशनल है और एक्सक्लूसिव है, इसको लेने के बाद कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ती, ना चूना ना मेथी का दाना। डेंगू पेशेंट भी इसको ले सकते हैं, और जितने तरह के आपको बीमारी आती है, बुखार जिसमें जोड़ों के दर्द आ जाते हैं, किसी भी तरह का बुखार जिसमें जोड़ों का दर्द आ जाए और जल्दी ठीक ना हो, उन सब में आप इसको यूज करें। नहीं जी, ये इतनी स्ट्रांग दवा है कि ये अकेली ही ली जाती है। दूसरा सर, इसके लिए बाबा जी किताबें दे रहे हैं, सुंड, मेथी दाना, हल्दी, अश्वगंधा, हल्दी, हाँ जरूर लीजिए उसके पाउडर के साथ। मेरा ये कहना है कि जो किताब में है वो तो आपको मालूम ही है, मैं तो वो बता रहा हूँ जो किताब में नहीं है आपके पास। नहीं, ये उसके साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं, एक बार में आप समझ लीजिए, ये एक्सक्लूसिव मेडिसिन है तो अकेली ही ली जाएगी, इसके साथ कुछ भी लेंगे तो तकलीफ हो जाएगी। और एक बीमारी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आरए फैक्टर जिनका भी प्रॉब्लमेटिक है और डॉक्टर कहता है कि इसके ठीक होने का कोई चांस नहीं है, कई बार कार्टिलेज पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं और डॉक्टर कहता अब कोई चांस नहीं है, नी जॉइंट्स आपको रिप्लेस करने ही पड़ेंगे, हिप जॉइंट्स आपको रिप्लेस करने ही पड़ेंगे, तो जिनके नी जॉइंट्स रिप्लेस करने की नौबत आ गई हो, माने घुटने निकाल के नए लगाने पड़ रहे हो या हिप जॉइंट्स निकाल के नया लगाना पड़ रहा हो, उन सब के लिए ये दवा है। कभी भी मेरा आपको कहना है कि नी जॉइंट्स को रिप्लेस मत करें, कितना भी अच्छा डॉक्टर आए, कितनी भी बड़ी गारंटी दे,
कभी भी मत कराइए उसको, और हिप जॉइंट्स को कभी रिप्लेस मत कराइए। भगवान की जो बनाई हुई है वो कोई नहीं बना के दे सकता आपको दोबारा, आपके पास जो है उसी को रिपेयर करके काम चलाइए। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री अटल जी ने ये प्रयास किया, नी जॉइंट्स का रिप्लेसमेंट हुआ, अमेरिका के बहुत बड़े डॉक्टर ने किया, आज उनकी तकलीफ पहले से ज्यादा है। पहले तो थोड़ा बहुत चल लेते थे, अब तो चलना बिल्कुल बंद हो गया है, कुर्सी पे ले जाना पड़ता है। अब आप सोचो जब प्रधानमंत्री के साथ ये हो सकता है तो आप तो कॉमन पीपल। इसलिए बड़े बड़े डॉक्टर आते हैं अमेरिका से और हर साल यहाँ कैंप लगाते हैं, और इन कैंपों में भीड़ उमड़ती है, नी रिप्लेस कर लो, ये रिप्लेस कर लो, ये मत करिए आप। भगवान ने जो दे दिया है उस पर भरोसा रखिए, उसको रिपेयर कर लीजिए। पैसे का घमंड कभी मत करिए कि मेरे पास पैसा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। पैसे से दुनिया में सब नहीं होता, जो हो जाता तब तो ये दुनिया ही दूसरी तरह की। उनको मालूम था लेकिन उनके सहयोगियों ने चलने नहीं दी, वो चाहते नहीं थे कि ऑपरेशन हो, लेकिन उनके आसपास के लोग थे, उन्होंने कहा अरे अगर अमेरिका का डॉक्टर है इतना अच्छा है वैसा है तैसा, सबके दिमाग में तो भूत घुसा हुआ है ना, अमेरिका अमेरिका अमेरिका, सारी दुनिया में हर चीज अमेरिका की ही अच्छी है। अब वो अमेरिका खुद भिखारी है सारी दुनिया के सामने। तो ये दिमाग का फितूर हटाइए आप कि अमेरिका से कोई डॉक्टर आ गया उसके पास 8-10 बड़ी डिग्रियां हैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हो जाएगा, बिल्कुल जरूरी नहीं। ज्ञान का डिग्री के साथ कोई लेना देना नहीं है, कोई रिश्ता नहीं। हो सकता है किसी के पास बिल्कुल डिग्री ना हो, आपके गांव का साधारण वैद्य हो, वो कैंसर मिटा दे आपका, और हो सकता है बड़ा डिग्री वाला आपकी जान निकाल दे। इसलिए नॉलेज को सम्मान करिए, डिग्रियों के पीछे मत भागिए। इतना पागलपन हम में आ गया है कि थोड़ा सा ऐसी डिग्री जो हमें भी नहीं समझती, FRCH, MDH, आपको खुद कुछ नहीं मालूम है कि इसका मतलब क्या होता है, आप लगे हैं उसके पीछे के जो बड़ा डॉक्टर है, फीस भी ज्यादा लेता है, दवाएं भी बहुत लिखता है, ये चक्कर छोड़िए। क्योंकि सिंपल मेडिसिन हमारे आसपास में जो उपलब्ध है वो इतनी इफेक्टिव है जो कोई दूसरी कॉम्प्लिकेटेड मेडिसिन नहीं काम कर सकती। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक दो बीमारी की चर्चा जरा कर लेते हैं। हाँ पत्ते, मैं बोल दिया 6-7 6-7 कितनी बार। थोड़ा आगे बढ़े और कुछ कॉमन बीमारियों की बात करें, कुछ कॉमन बीमारी और कुछ कॉमन मेडिसिन जो हमारे घर में है, सर्दी खांसी जुकाम, अस्थमा भी आ गया, सर्दी खांसी जुकाम, ये तीनों एक ही कैटेगरी में रख लीजिए, एक ही कैटेगरी की मेडिसिन है। इसके लिए अपने रसोई में क्या क्या है? डेंगू के लिए पहले ये अपनी लोक शक्ति से जुड़े हुआ है कि लोहे की डंडी 7 तुलसी के पत्ते, 7 नीम के पत्ते, 1 चुटकी जमैन, इसको आधा किलो पानी में उबाल करके हाफ रह जाए, तो इसको एज ए प्रिवेंटिव भी ले सकते हैं? नहीं, ये प्रिवेंटिव है ही नहीं, ये क्यूरेटिव है। हम थोड़ा आगे बढ़े, सर्दी खांसी जुकाम ये तीनों एक ही फैमिली की डिसीज है और इनकी मेडिसिन भी लगभग एक ही है। क्या क्या मेडिसिन है इसके लिए अपने रसोई में? सबसे अच्छी मेडिसिन है अपने रसोई में अदरक। अदरक को ही दूसरे नाम में सौंठ कहते हैं। अदरक सूख जाता है तो सौंठ हो जाता है, अदरक सूख जाता है तो सौंठ हो जाता है, तो अदरक या सौंठ इसकी बेस्ट मेडिसिन है। दूसरी बेस्ट मेडिसिन है वो हल्दी है। तीसरी बेस्ट मेडिसिन सर्दी खांसी जुकाम की चूना है। चौथी बेस्ट मेडिसिन सर्दी खांसी जुकाम की किशमिश है। पांचवी मेडिसिन सर्दी खांसी जुकाम की दालचीनी है। मुनक्का अलग है, किशमिश अलग। फिर से बता देता हूं, सबसे अच्छी दवा है अदरक है, दूसरी हल्दी है, तीसरा चूना है, चौथी दालचीनी है, फिर किशमिश है, और इसमें आप मेथी दाना भी यूज कर सकते हैं। इतनी दवाएं हमारे रसोई में है सर्दी खांसी जुकाम के लिए, और इसके साथ कुछ कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है जो मेन मेडिसिन के साथ मिक्स करके यूज करते हैं, वो है काली मिर्च, तुलसी का पत्ता, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। मेन मेडिसिन है अदरक, मेन मेडिसिन है दालचीनी, मेन मेडिसिन है मेथी दाना, मेन मेडिसिन है चूना, उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री है, उसमें से एक है तुलसी, उसमें से एक है दालचीनी, नहीं सॉरी दालचीनी, काली मिर्ची, काली मिर्ची।
अब इनको यूज कैसे करना है, यूज करने का तरीका अदरक है उसका रस निकाल लीजिए, अदरक रस को निकाल लीजिए और इसमें थोड़ा शहद मिला के हल्का गर्म करके पी लीजिए, ये एक तरीका। दूसरा तरीका है अदरक का रस निकाल लीजिए उसमें तुलसी का रस मिला लीजिए और हल्का गर्म करके शहद मिला के ले लीजिए, वो दूसरा तरीका। गर्म करने के बाद ही शहद मिलता है, शहद मिला के कोई चीज गर्म नहीं कर सकते। अगर शहद नहीं है तो गुड़ ले लीजिए, गुड़ भी चलेगा। अब डोज कितना लेना है, एक बार में एक चम्मच से ज्यादा नहीं, सब मिलाकर एक चम्मच। अब आप खुद डिसाइड कर लेना, सब मिला के एक चम्मच अदरक का रस, तुलसी का रस और शहद तीनों मिला के एक चम्मच सुबह सुबह ले लीजिए, खाली पेट बहुत अच्छा है। एक बार दोपहर को भी ले सकते हैं, एक बार शाम को, ये तीन बार ली जा सकती है दिन में सर्दी खांसी जुकाम के लिए। झुंझलाहट रही होगी तो उसमें बीपी नहीं बढ़ा होगा, बीपी नहीं बढ़ाता ये, झुंझलाहट का दूसरा कोई कारण हो सकता। इसी तरह से सर्दी खांसी जुकाम में हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी को सबसे अच्छा तरीका है खाने का दूध में मिला के, जो हजारों साल से इस देश में इस्तेमाल हो रहा है, दूध में मिला के और मिला के इसको बॉईल करना पड़ता है दूध को, फिर उसका असर आता है। दूसरा तरीका है कि अगर दूध उपलब्ध नहीं मत डालिए, बिना गुड़ के खाने की कोशिश करिए, हो जाए तो अच्छा, बिल्कुल ना जाए तो देख लीजिए थोड़ा बहुत। अगर किसी कारण से दूध नहीं ले सकते या दूध उपलब्ध नहीं है तो पानी में भी बॉईल किया जा सकता है हल्दी को और लिया जा सकता है। उसी समय लेना अच्छा। तो सर्दी खांसी जुकाम में हल्दी है, पानी में ले सकते, मेडिसिन है ये टॉन्सिलाइटिस की। टॉन्सिलाइटिस में भी अक्सर क्या होता है, जब भी बच्चे को होगा आप डॉक्टर के पास जाएंगे, इमीडिएट कहेगा ऑपरेशन करा दो, काट के निकाल दो। एक ही मिनट लगता है उसको ये कहने में, जो ऑपरेशन करा दो काट के निकाल दो, ऐसे समझता है जैसे ये फालतू दे दिया भगवान ने। एक आजकल के एक तो डॉक्टर माताओं को बोलते हैं कि अपना गर्भाशय काट के निकलवा दो, और एक ये दूसरा टॉन्सिलाइटिस के लिए बोलते हैं। ये दोनों ही अगर आपने निकलवा दिए तो फिर भगवान भी आपकी मदद नहीं कर सकता, ये जान लीजिए। एक बार बच्चे का टॉन्सिलाइटिस का आपने ऑपरेशन करा दिया और कट के निकल गया, फिर जिंदगी भर उसको ना कोई दवा काम आएगी, उसको उस तकलीफ के साथ ही जिंदा रहना पड़ेगा। इसलिए ये गलती कभी मत करिए अपने बच्चों के साथ। हाँ मैं बता रहा हूं, तो टॉन्सिलाइटिस के केस में भी इसी हल्दी को इस्तेमाल करिए। बस तरीका उसका इतना ही है कि टॉन्सिलाइटिस अगर बहुत ज्यादा क्रोनिक है, माने बहुत पुराना हो गया है, तो हल्दी को सीधा इस्तेमाल करना है, न दूध में न पानी में, सीधे हल्दी इस्तेमाल करनी है। कैसे, चम्मच में हल्दी भर लिया और मुंह जितना खुल सकता है उसमें अंदर ले जाके चम्मच छोड़ दीजिए, डाल दीजिए, फिर लार के साथ मिलके ये अंदर उतर लीजिए। एक हफ्ते में तीन दिन भी आपने कर दिया तो चौथे दिन से उस बच्चे के टॉन्सिल हमेशा के लिए ठीक हो जाए, इतना इफेक्टिव। आधा चम्मच अगर टॉन्सिलाइटिस क्रोनिक है तो, बच्चे एक्यूट है माने हाल फिलहाल में हुआ है, 15-20 दिन, महीना दो महीना, तो आप उसी तरह से दूध में लीजिए इसको या पानी में लीजिए। बच्चे हल्दी पानी है, मिश्री पाई जाए ना, की मिश्री दे दीजिए चल जाएगा। सीधी हल्दी नहीं, पानी नहीं पीना है, वो लार के साथ अंदर जाएगा, पानी उनको घंटे भर तक नहीं देना। और इसमें थोड़ा एक और दूसरी बीमारी इसी से जुड़ी, थ्रोट इन्फेक्शन, गले में खराश हो गई और गले में किसी तरह का इन्फेक्शन है, गला बैठ गया है, तकलीफ ऐसी है, पानी भी पीने में तकलीफ हो रही है, आपकी लार निकलने में भी तकलीफ हो रही है, इस तरह का इन्फेक्शन है, आवाज भारी हो गई है, ये सब के लिए यही हल्दी इस्तेमाल करना है, दूध में घी के साथ। हल्दी, दूध और घी, घी माने गाय का, हल्दी, दूध और घी। एक गिलास दूध रहेगा, चौथाई चम्मच हल्दी रहेगी, एक चम्मच घी रहेगा, ये तीनों को मिक्स करके बॉईल करना है। बॉईल करके खूब गरम गरम चाय की तरह से पीना, शाम को ही काफी है इसका।
है जी, फिर से रिपीट करता हूँ, एक गिलास दूध, चौथाई चम्मच हल्दी, एक चम्मच घी, घी माने गाय का, इसको एक दूसरे में मिला के खूब बॉईल करिए और इतना गर्म हो चाय जैसा, और चुस्कियां लेके पीना सिप करके। नहीं नुकसान तो कुछ भी नहीं, अच्छा भला भी पी सकता है, बस मात्रा हल्दी की थोड़ी कम कर दीजिए। शुगर डालें इसमें? शुगर है जी, शुगर माने चीनी, नहीं चीनी को तो विदा कर दीजिए, थोड़ा गुड़ गुड़ ले लिया तो चलेगा, चीनी तो छोड़ ही दीजिए, उस साइड से तो भी निकल जाएगा, थोड़े दिन लगातार लेना पड़ेगा, 5-6 दिन उसमें निकल जाएगा। और जुकाम के लिए मैं और एक दवा बता चुका हूं जो पहले से ही आपको मालूम है, चूना, चूने को इसी तरह से जैसे बताया हुआ है आप यूज कर लीजिए तो जुकाम ठीक कर देगा। एलर्जी आते हैं, चलो एलर्जी पे, एलर्जी जो है उसकी आपके घर में जो सबसे अच्छी दवा है वो एक ही है, उसका नाम है गाय का घी, देशी गाय का घी। आपने थोड़ी देर पहले कहा ना छींके बहुत आती हैं, बार बार छींके आती हैं, तो ये एलर्जी का सिम्टम है, तो एलर्जी है, बार बार छींके आ रही हैं, बार बार जुकाम हो रहा है, तो एलर्जी ही है समझ लीजिए। और इसी से जुड़ी हुई और एक बीमारी है स्नोफीलिया, वो एलर्जी का ही भाई है ऐसा समझ लीजिए। इन दोनों डिसीज में बहुत अच्छी जो मेडिसिन है हमारे पास वो है देशी गाय का घी। इसको क्या करना है, नाक में डाल के सोना है, एक एक बूंद देशी गाय का घी रात को सोते समय दोनों नाक में डाल के सोना है, हल्का गुनगुना करना है, हल्का गर्म करना है, तभी नाक में जाएगा, और डालने के बाद ऐसे खींचना, फिर सो जाना, लगातार 15-20 दिन अगर आपने किया तो 40 साल पुरानी भी एलर्जी ठीक कर देता है, स्नोफीलिया ठीक कर देता है। बादाम रोगन नहीं, घी की तुलना किसी से नहीं हो सकती, तो आप इसको इस्तेमाल करिए। और ये क्या काम कर देता है घी, जिनको नींद नहीं आती अच्छी उनकी बहुत नींद आएगी अच्छी, है जी, सरसों का तेल, मुझे नहीं मालूम उसके बारे में, जो चीज मैं नहीं जानता उसके बारे में नहीं कह सकता, मैं जो जानता हूं और खुद करता हूं पिछले 12 साल से वही कह रहा हूं। देशी गाय का घी हल्का गर्म करके नाक में डाल के सोना, तो एलर्जी खत्म करेगा, छींक भी ठीक कर देगा, और क्या क्या ठीक करता है, रात को जिनको नींद नहीं आती अच्छी उनकी नींद आएगी बहुत अच्छी, खर्राटे बिल्कुल बंद एक ही दिन में, दूसरा दिन नहीं लगता, पहले ही दिन में बंद, हाँ बिल्कुल ठीक कर देगा, साइनस ठीक कर देगा, नाक में मांस पड़ गया वो ठीक कर देगा। और कई बार क्या होता है, नाक में सांस लेने के लिए स्पेस कम हो गया तो बहुत लोग मुंह खोल के सोते हैं, उनका मुंह बंद करा देगा ये, वो बंद करके ही सोएंगे फिर, नहीं कुछ नहीं मिला, सिंपल गाय का घी बस हल्का गर्म करना है ताकि डल जाए आसानी। और ये क्या क्या कर देता है, मैंने है जी 15-20 दिन कम से कम, 3 महीने अधिक से अधिक। और ये क्या क्या कर देता है, मैंने कई बार इससे ब्रेन में ब्लॉकेज निकाले, ब्लड अगर ब्लॉक हो गया ना, कई बार हार्ट अटैक आ गया या सॉरी पैरालिसिस हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, तो ब्लड क्लॉट हो जाता है, ब्लड की क्लॉटिंग निकालने की ये सबसे अच्छी दवा है देशी गाय का घी। ये ब्रेन के हर उस हिस्से तक पहुंच जाता है जहां कोई नहीं पहुंच सकता नाक के थ्रू, इसकी बहुत जबरदस्त क्वालिटी है। डॉक्टर बहुत हैरान है, जिन जिन डॉक्टर को मैंने ये बताया कि ब्रेन के कई ऐसे हिस्से हैं जहां तक कोई नहीं पहुंच पाया आज तक, ना डॉक्टर पहुंच पाया ना कोई मेडिसिन पहुंच पाई, लेकिन ये घी पहुंच जाता है। वन मंथ नहीं, 15-20 दिन मिनिमम, मैक्सिमम 3 मंथ्स, फिर 15-20 दिन ब्रेक करके आगे भी कर सकते हैं, आपको इससे नुकसान कुछ नहीं आएगा ये पक्का रखिए। फायदे इतने हैं इसके, क्या होगा, एक दो दिन आपको नाक से सारा रेशा गिरेगा, एक दो दिन वो सब कचरा जो जमा है वो निकालेगा, पहले ये सफाई करता है, सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी है क्लींजिंग प्रॉपर्टी, तो यहां सब
जुकाम अगर जमा है, बलगम जिसको आप कहते हैं कफ, वो सब निकाल देता है, ये एक दो दिन निकालेगा, फिर उसके बाद